就地放发现行为。Hey guys, कैसे हो सब लोग? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो गाइस आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। तो अभी गाइस इस वीडियो में बात करते हैं अपडेट के बारे में। तो जैसे गाइस अपडेट रिलीज हुआ है, बंदों ने साइन अप किया और अटैक्स पे अटैक्स कर रहे हैं। जैसे मैं हंटर्स क्लैन में था तो उसमें डाउन ऑल टेन से अटैक कर रहे थे, लेकिन जब वो अटैक कर रहे थे तो लेकिन उनको रिटर्न में जो डिफेंस मिल रहा था वो हर बार माइनस 40 का मिल रहा था। तो अभी अपडेट में आपको पता है कि क्या हुआ है। अभी जब भी आप अटैक करोगे, जो आपको जितने अटैक्स मिलेंगे उसमें आपको सारे ऑफर्स प्लस 40 के मिलेंगे, लेकिन डिफेंस में भी माइनस 40 मिलेगा हर बार सामने वाले को। ऐसा नहीं है कि कम मिलेगा। तो अभी अपडेट में तो यार पूरा वाट लगा दिया ये ट्रॉफी सिस्टम का। सच बोलूँ तो क्लाउडिंग तो बंद हो चुकी है, लेकिन इतने कम अटैक्स करके मतलब क्या होने वाला है? मतलब अटैक करो और चले जाओ पबजी पे, ऐसा सीन होने वाला है। मेरे को तो यही लग रहा है कि लोग स्विच करेंगे गेम, इस गेम से दूसरे गेम में। जो भी लेजेंड लीग तक पुशिंग कर रहा है उसके आगे, मतलब जो जो हार्डकोर पुशर है वो बहुत सारे आईडीज मतलब चला सकता है एक ही बार में। तो अभी गाइस वैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं अभी क्लैन में हूँ द इनविंसिबल्स में, क्योंकि ये क्लैन जो है वो टाउन ऑन लाइन पुशर्स का। यहाँ पे बहुत सारे पुशर्स है टाउन ऑन लाइन के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो टॉप पर है वो प्रिंस खुश, वो तो TS10 है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर विकास राज, सरित, साइलेंट रैत, करण, संदीप, डॉन, माय वर्ल्ड, शेडो फाइटर, गौरव, सैम और यहाँ पर वॉरबीस, साइलेंट नाइट 2। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे यहाँ पे लेजेंड लीग पर है। तो मैं इनके अटैक्स वगैरह और मतलब देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि अभी मतलब कैसे हो रहा है, इनको कैसे बेसिस मिल रहे हैं वगैरह, वो चेक करने के लिए आया हूँ। तो आपको पता ही कि पहले अपडेट से पहले जब भी हम सर्च करते थे, भले ही टाइम लगता था, लेकिन अपने को ट्रॉफीज़ मिलती थी, बहुत हाई ट्रॉफीज़ मिलती थी। लेकिन अभी क्या होने वाला है कि अभी ज़्यादा मैक्स ऑफर जो है वो सिर्फ प्लस 40 मिलेगा आपको। तो चलते आप अपन शेयर, इनको बोलते कि शेयर करो अच्छा अटैक्स, शेयर योर गुड रिप्लेस। तो यहाँ पर बोल देते ताकि हम इसे रिकॉर्ड कर पाए। तो देखते हैं अभी कौन कौन शेयर करता है। अब हम लोग चेक करते हैं यार कोई लाइव अटैक पर अगर है कोई तो हम लोग लाइव देख लेते हैं अटैक किसी का। तो लेकिन मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर कोई लाइव अटैक पर भी है। तो यहाँ पर हिमांशु का यहाँ पर अटैक देखते हैं, 4837 पर है यहाँ पर हिमांशु। तो इसका अटैक यहाँ पर +12 के लिए शेयर किया अटैक का रिप्ले। तो ये बेस यहाँ पर गाइस देख लो यार, फुल मैक्स आउट बेस है। तो अभी पता नहीं यार कि मतलब क्या होने वाला है पुशर्स के लिए, क्योंकि लेजेंड लीग के ऊपर जैसे पहुँचेंगे तो अटैक्स भी उतने ही मिलेंगे, ऑफर्स भी उतने ही मिलेंगे। लेकिन टाउन ऑन लाइन जो है वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लगता है 1 स्टार या फिर 2 स्टार कर पाएगा, लेकिन डिफेंस में तो उसके माइनस 40 हर बार चले जाएंगे। तो अभी मेरे को लगता है ना कि 9 और 10 से लेजेंड लीग करना बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर पुशिंग नहीं हो पाएगी ऐसा मेरे को लग रहा है शायद से। तो देखते हैं अभी क्या होगा वैसे। लेकिन 7 और 8 के भी अभी तो बहुत सारे चांसेस है कि TH7 पर लेजेंड लीग कर पाएंगे बंदे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि बेसिस बहुत फास्ट मिलते हैं अभी। पहले जितनी क्लाउडिंग नहीं होती है जितनी मतलब टाउन हॉल 7 और 8 के लिए है। जैसे अभी मैं 8 में भी मैंने क्लाउडिंग किया, थोड़ी बहुत बेसिस मैंने चेक किए कैसे मिल रहे हैं, तो उसमें ऑफर्स अच्छे मिल रहे हैं और फटाफट बेसिस आ रहे हैं, शायद आपने नोटिस किया होगा। तो ये वाला अटैक यहाँ पे गाइस देखते हैं हिमांशु का जो इसने किया, 25% तो पहले ही निकल गया। इलेक्ट्रो ड्रैगन और रेज स्पेल्स है। तो अभी ये पूरा मैक्स आउट बेस है और ये ट्रॉल बेस है, मतलब जैसे देखा जाएगा तो एंटी 2 स्टार बेस। पता नहीं यार, इतना मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बेसिस वगैरह के मामले में। तो वैसे अभी मेरे को लगता है कि टाउन हॉल 12 के जो बंदे हैं वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा 3 स्टार वाला बेस नहीं लगाएंगे होम बेस पर, जो वॉर बेस होता है ना वो सेट करेंगे मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि वो लोग 3 स्टार से बचेंगे। उनको भी पता है कि ज़्यादातर अब टाउन हॉल 12 अटैक करेंगे, तो मे बी ऐसे ही बेसिस मिलेंगे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। टाउन हॉल थोड़ा साइड में रहेगा लेकिन वो शायद से 3 स्टार ना हो पाए टाउन हॉल 12 से, लेकिन हम उसे कर सकते हैं 2 स्टार, क्योंकि अगर टाउन हॉल साइड में रहा तो मे बी हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये वाला अटैक तो हो गया इसका 52% के लिए और ये बहुत अच्छा अटैक था 12 ट्रॉफीज़ के लिए। तो अभी अपन और भी अटैक्स चेक करते गाइस यहाँ पर क्लैन में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे किसी ने शेयर, सरित ने यहाँ पे शेयर किया है जो अटैक किया है +10 ट्रॉफीज़ के लिए। तो ये वाला भी अटैक चेक करते, ये भी लेजेंड लीग का बेस है। तो अभी पता नहीं है सरित को 50% पे 10 ट्रॉफीज़ मिली है, तो अभी देखते हैं।
कि इसने इस बेस पर कैसे अटैक किया, ये वाला थोड़ा मतलब देखा जाएगा ना, तो हार्ड बेस ही है क्योंकि आप पर आर्चर टावर्स देखो एकदम लाइन में है, और लून्स जैसे हम लोग डालते हैं तो मे बी एयर माइन वगैरह कुछ ना कुछ आ जाता होगा और वो शायद से जल्दी मर जाते होंगे। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रो ड्रैगन ही पहले डाल दिया है और उसके साथ लून्स, तो अभी देखते हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन कितना डैमेज निकाल देता है। अरे वाह, इलेक्ट्रो ड्रैगन का जो डैमेज है ना यार बहुत सही है, उसने ही ज़्यादातर इस बेस को पूरा मतलब 28% तक तो बहुत उसने मदद की है लाने के लिए। तो अभी और भी अभी देखते हैं अटैक और आगे का कैसे हुआ, 32% तो यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर यार वैसे अभी ये देखो यार बहुत सही लग रहा है यार, वैसे इन्फर्नोज जो लावा उनका टपक रहा है नीचे, ये अभी बहुत सही लग रहा है। और भी देखते 39%, और हीरोज़ भी यहाँ पर बचे हुए, लाइटनिंग स्पेल है और गोलेम भी है, तो गोलेम से तो हो जाएगा यार। ये आर्मी बहुत सही यूज़ किया, मतलब खुद का गोलेम यूज़ किया और सीसी में इलेक्ट्रो ड्रैगन, तो ये तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। पहले गोलेम ड्रॉप करो उसके साथ हीरोज, फिर चाहो तो जहाँ पर भी ज़्यादा बिल्डिंग्स हो वहाँ पर हम डाल सकते हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन को। तो ये देखो यहाँ पे 46%, तो अभी तो ईजिली हो जाएगा यहाँ पर। ये रहा दोनों लाइटनिंग स्पेल से किंग और क्वीन के, उसने ये ब्रेक कर दिया और हो चुका 50%। तो बहुत अच्छी टेक्निक लगाई थी इसने, सरित ने। तो और भी अपन चेक करते कोई अच्छा अटैक से आप पर कोई होगा तो। सूरज आपका कोई रिप्ले शेयर करो, ठीक है मैं अपना भी करता हूँ शेयर। तो पहले अपन चेक करते कोई अगर लाइव अटैक पर होगा तो पहले हम अटैक्स वगैरह चेक कर लेते हैं। तो वैसे गाइस मैंने यहाँ पर टाउन हॉल मेरा डाल दिया अपग्रेड पे, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं पता कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ। पुशिंग से तो यार अभी मन हट रहा है सच बोलूँ तो ये अपडेट के बाद। तो अभी और भी अटैक्स के रिप्लेस वगैरह हम चेक करते हैं, यहाँ पर +8 ट्रॉफीज़ के लिए कोई और भी देखते हैं, -6। तो यहाँ पर कोई रिप्ले तो यहाँ पर शेयर नहीं किया है और भी, ठीक है अपन थोड़ा वेट कर लेंगे। ये रहा एक और यहाँ पर रिप्ले, सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज़ आफ्टर अपडेट, +12 ट्रॉफीज़ मिले यहाँ पर। और ये बेस देखो यार कितना कितना मतलब घटिया बेस दिखता है यार ये, ऐसे ऐसे बेसेस जो आते हैं, लेकिन जैसे अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो ये मैक्स आउट बेस नहीं है। तो इन्फर्नो टावर देखो, इसका मतलब ये नीचे एकदम छोटू सा लग रहा है, और एयर डिफेंसेस तो एकदम साइड में ही है, तो ये वाली भी निकल जाती है, आराम से निकल जाएगी ये वाली भी। और एक को तो लाइटनिंग स्पेल से उड़ा दिया है सरित ने, तो देखते हैं अटैक कैसा होगा बाकी का। यहाँ पर भी इलेक्ट्रो ड्रैगन पहले ही ड्रॉप कर दिया, और जब इलेक्ट्रो ड्रैगन ड्रॉप करते तो यार रेड स्पेल जैसे डालते हैं ना यार एकदम पागल हो जाता है यार, सीरियसली बहुत बहुत गंदा डैमेज देता है। अच्छा लगता है उसको देखने के लिए जब वो इतना अच्छा डैमेज करता है तब। ये देखो यहाँ पर अभी ये इन्फर्नो भी मेरे को लगता है कि चला जाएगा शायद से, इन्फर्नो को भी मार देगा क्योंकि वो सिंगल सिंगल था, सिंगल टारगेट था। और ये आर्टिलरी तक पहुंच गया यार, देखो एकदम बेस के पूरा अंदर जाके एक एक बिल्डिंग तोड़ रहा है, इतना अंदर मतलब पहुंच गया इलेक्ट्रो ड्रैगन। तो ये तो बेस आराम से टूटना ही था ये एक स्टार, तो अगर वहाँ तक इलेक्ट्रो ड्रैगन पहुंच रहा है तो ये बहुत अच्छा अटैक है। और अभी तक गोलेम भी बचा हुआ है, मतलब खुद का गोलेम भी है, हीरोज़ भी है। तो आपको एक बात बता दूं, अगर खुद का गोलेम यूज़ कर रहे हो तो आप ऐसी जगह डालो जहाँ पर सीसी ना निकले और वहाँ पर मिनिमम 19 से 20% डैमेज मिले गोलेम हीरोज़ और दो तीन विजार्ड से, ठीक है। और इलेक्ट्रो ड्रैगन तो होता ही आपके पास, उससे भी आप ट्राई करो कि 15 से 20% का डैमेज निकल जाए, ताकि अगर आप बाकी के ट्रूप्स यूज़ कर रहे हो तो उससे आप शायद से 2 स्टार के लिए भी ट्राई कर सको। तो ये वाला अटैक भी गाइस यहाँ पे बहुत सही अटैक था, मस्त था एकदम, इलेक्ट्रो ड्रैगन ने बहुत अच्छा डैमेज दिया, 47%। तो ऑफर भी अच्छी मिली होगी, +12 मिला है, तो मे बी ये 40 वाला बेस होगा जो साइन अप करने के बाद मिलते हैं सारे बेसिस। मैं तो यार लेजेंड लीग में नहीं हूँ, वरना मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता था कि क्या होने वाला है, काश मैं भी होता तो बहुत सही रहता। तो चलो ये वाला अटैक तो हो चुका है यहाँ पे सक्सेसफुल, गोलेम वगैरह भी ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, शायद शील्ड देने की कोशिश की है, चलो फेयर गेम प्ले, हाँ दे दिया यहाँ पर शील्ड, तो हो गया यहाँ पे अटैक, बहुत सही था, दिखने में हार्ड बेस था लेकिन बहुत अच्छे से कर दिया अटैक, +12 ट्रॉफीज़ के लिए। तो ठीक है गाइस, अभी मेरे को पता नहीं कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ, पुश करने वाला हूँ भी या नहीं मेरे को नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे एक और अटैक अपन चेक कर लेते, +9 ट्रॉफीज़ के लिए यहाँ पर शेयर किया है, जो किंग मलिक का है और ये बेस है टाइटन 1 का, और ये पूरा एकदम स्क्वायर बेस टाइप लगता है, ये राउंड बेस, ऐसे बेसिस पर अटैक करना बहुत पहले बहुत अच्छा लगता था यार, क्योंकि बहुत सारे बेसिस मिलते थे। अरे इस पर तो क्वीन वॉल किया है, क्या बात है यार गाइस, 30 की क्वीन, और हीलर्स कितने यूज़ किए, मे भी शायद से 4 किए हैं,
और 9 डिब्रैगन्स हैं, देखते हैं सीसी में क्या यूज़ किया। मेरे को लगता है इलेक्ट्रो ड्रैगन ही होगा। तो वैसे सर क्वीन वॉल्क मेरे को लगता है रिस्की है, लेकिन जो जो एक्सपर्ट है वो आराम से कर लेगा यार। मेरे को तो क्वीन वॉल्क ज़रा सा भी नहीं आता। जैसे मेरा तो रेज स्पेल डालने से पहले ही क्वीन गायब मर जाती है, लेट जाती है, क्या बताऊँ अभी आपको। तो ये रहा, यहाँ पर नीचे से आ चुका है इलेक्ट्रो ड्रैगन और फटाक से रेज भी आ चुका है। तो जो कॉम्पैक्ट बेसिस होते हैं ना, वहाँ उस पर इलेक्ट्रो ड्रैगन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, मतलब ज़्यादा डैमेज देता है, क्योंकि जितने क्लोज रेंज में उसको बिल्डिंग मिलती है तो उतना डैमेज वो कर देता है। ये देखो यहाँ पर फ्री स्पेल भी डाल दिया, तो शायद से एयर डिफेंस पर नहीं पहुँच पाएगा वो। तो 38% यार बहुत। अभी क्वीन, अच्छा क्वीन अभी जस्ट मरी है शायद से, और ये सारे जगह पर डिप्लॉय कर दिए एकदम बेबी ड्रैगन्स, और हो चुका है पे क्लियर बेस, बहुत सही अटैक था गाइस। और अभी देखते हैं कि क्या होगा पुशिंग का, मैं तो आपको अपडेट्स देता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है गाइस तो लाइक आप लोग ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और फिर एक क्या करो, एक अटैक में दिखा देता हूँ अपना भी। चलो 22 ट्रॉफीज़ वाला मैं अपना भी अटैक। अरे ये तो टाउन हॉल 9 है, तो टाउन टाउन हॉल 9 देखने में क्या मज़ा है। तो इसमें तो मैं, ये तो मैंने इजीली कर दिया था। तो बेल आइकन भी गाइस आप प्रेस कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच देखने के लिए वीडियो, और बाय बाय गाइस।